नमस्कार दर्शक बंधु, मुंबर प्रिय मलय स्वागत करुँ को प्रार्थना टीवी प्रसारित अमृत सागर बिंदुर आउ एक नुआ स्वतंत्र अध्याय को आज आम गण अच्छा आम समस्त अति प्रिय अति निजर ब्रह्म कुमारी लीना भौणी आपण को स्वागत करुच्ची अमृत सागर बिंदु को एवं आपण मान समस्त स्वागत करुचु अमृत सागर बिंदु को। पूर्व अध्याय आम शुणी आपण जड़े किए परमात्मा अच्छा जी किए सृष्टि को चलाउं से परमात्मा जनक किए बहुत भल प्रश्न आज आपणकर आम समस्ते जाचे के अच्छा जे सृष्टि को तैयारी कर सृष्टि निजे निजे हैनी आपन देखते जो निजे निजे घासटा हो वाइल्ड हो किंतु संसार को देखिए बड़ा सुंदर ढंग से सब तैयारी आ प्रतिदिन जब देखिए गोटे नुआ चित्रकारी आप देखिपर परमात्मा तो से कहीं ना कहीं सर्वशक्तिवान परमात्मा अच्छा आम को जानवा को चिन्हवा को आवश्यकता अच्छे। परमात्मा विषय अनेक मत मतांतर संसार अच्छी तार गोटे बड़ कारण हूँ जहाँ आम शास्त्र कहे नाना मुनि नाना मत सब मुनि जी जमती परमात्मा को अनुभव कले से प्रकार एक्सप्रेस करने को चेष्टा कले से जहाँ कहले शुणला बल आउ कि शुणिले आउ टे कौन कहले एमती अनेक मत मतांतर अच्छी कि भूल नुह ठीक भी हो पारे किंतु फिर भी जदि आम आम हृदय को पचार कि परमात्मा किए तांगे आम आत्मार कनेक्शन अच्छी निहाती अच्छी देखिए मु परमात्मा को चिन्ही जाणी सबुठ बड़ आश्चर्य कथा आम समस्ते से भगवान को देखीचे जाणीचे सहित कथबार्ता भी करीचे किंतु आम जाणिने केमती कौन से गोटे इमेजिनरी इनस्टेन्सटे आपण का आगे रखुचे बुझु आप गोटे सुंदर कार टीए गिफ्ट्रे मिली आपण से कारटा को चलवा आरंभ कर स्पीड बढ़ेले 100, 110, 120, 140 रे कार चलुचे ऑल ऑफ सडन आप देखुं कि बाटे कि हडल टीए अच्छे से ही समय आपन कहाँ को डाकुं रक्षा करने बापा को डाकबे होम मिनिस्टर को डाकबे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डाकबे कहाँ को डाकबे भगवान से समय भगवान को डाकुं भगवान को डाक आखि बंद कर दौरान भगवान तोर छड़ा के रक्षा करें रक्षा करतु तापर आखि खोल देख ला बेलू आप सेफ अच्छा से समय भगवान आपन को रक्षा कर कथबार्ता करुभव भी करपर तुरंत जो देखुं मुझे भल अच्छे भूली जाऊे निजक ठीक ठाक करने को देह को ठीक ठाक करने को गाड़ी को ठीक ठाक कर लग जाऊे टी जमती हाँ आम फ्लाशबैक करूचे सेमती फ्लाशबैक करूँ किए थे से समय से परमात्मा को मुझे कौ रूप से देखी रूप कौन थी नाक थी आखि थी कान थी कौन थी केमती से थे अनुभूतिर विषय परमात्मा तांको स्थूल नेत्र रे देखी हेनी कहीं से होंगे प्रकाश बिंदु अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु गोटे गीत अच्छे ना आँख ना जाने दिल पहचाने आम आखिरे देखिपर कि आम हृदय चिन्हचे से हूँ से परम ज्योति होंगे परमात्मा ये सुंदर कहा जाए शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरामय निरामय मध्य ज्योति सह ज्योति भगवान ये संसार देखुं गोटे शून्य पोलार आकाश महाशून्य ब्रह्मलोक घर जहाँ कहे शून्य मध्य निरामय शांति धाम से मुक्ति धाम से निर्वाण धाम निरामय मध्य ज्योति से गोटे प्रकाश पुंज अच्छा सह ज्योति भगवान से ज्योति ही हूँ भगवान तापर कहे आम जो देवी देवता पूजा करचे से माने कौन भगवान नुहंती एक्चुअली से माने देवी देवता भगवान नुहंती कहीं रामचरित मानस रे भगवान हूँ श्री रामचंद्र किंतु तुलसीदास जी चौपाई लिखुं बिन पग चले सुनहि बिन काना बिन कर कर्म करे बहु विधनाना माने
मोर हाथ गोड़ कानपाटी ना मुँ विभिन्न कर्म करी श्री रामचंद्र जी तो हाथ गोड़ अच्छी ताने से ज्योति परमात्मा विषय कहुए इनस्टान्स आसूची जोबले सेतु बंधर प्रतिष्ठा चली रावण कहते राम को जजमान होती पुरोहित होती जजमान रामचंद्र को कहते तुम इष्टदेव किए ताकि प्रतिष्ठित कराऊ से कहले लिंग था पविधवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहू ना दूजा बारिटा को एकाठी करदे कहले ये गोटे प्रतीक मुझे कली से परम ब्रह्म परमात्मा शिवंकर जहाँ हाथ गोड़ नाक कान पाटी था किंतु सी अच्छा से किए शिव कल्याणकारी तो सब देवंकर भी जे देव से निराकार ज्योति परम पिता परमात्मा सी हूँ आम सब मनीष आत्मा पिता तो मैंने आपण कहते कि आप हिसाब से शिव ही होती परमात्मा मो मन गोटे प्रश्न रोच हिंदू धर्म आम 33 कोटी देवादेवी को पूजार्चना कर जो पूजा जमी आप कहले राम एक सिंह शिवलिंग प्रतिष्ठा कले से कहले कि ये हूँ परमात्मा ये जो देवी देवता को आम पूजार्चना करुँचु पूजा करने पूर्व आम प्रथम गणेश को पूजार्चना करुँचु आम शास्त्र कहूँ एवं समस्ते जानते जपर्यंत गणेश पूजा पाती अन्य कौन देवादेवी पूजा पाती ना तो परमात्मा किए गणेश ना शिव ना आपण जमी कहते शून्य महाशून्य सी बहुत सुंदर प्रश्न टी आप कहे आम देखा आम प्रश्न ही आम उत्तर अच्छी 33 कोटी देवी देवता अच्छा बट यूनिवर्सल ट्रुथ गॉड इज वन एंड ओनली वन ईश्वर जड़े भगवान होंगे जड़े से 33 कोटी नुहति किंतु 33 कोटी देवी देवता मैंने अच्छा आप देखते आम भारत में गोटे सुंदर पिक्युलरिटी अच्छे से है या नॉर्थ रे सब व्यक्ति जे बाप समान थे बौजी कह जाए बौजी मीन्स बापा फादर आ सब माँ मान को माताजी कह जाए आमर जमी मऊसा मौसी कहते से नॉर्थ रे बापा माँ ही कह जाए प्रत्येक व्यक्ति जे बापा बयस बापा बोली कहे बड़ भाई को बाप समान बोली कहे ना कौन बाप समान बड़ भाई किंतु बापा नुहति सेमती देवी देवता आम सम्मान दौचे भगवान को भलिया मान्यता दौचे कि भगवान नुहति किंतु से मैंने देवता मीन्स देने वाला से आमको किसी ना कि बहुत किसी उपस्थित ये जगत रे ये भूमि उपरे माटी उपरे उपस्थिति विश्व को जहाँ दे आज पर्यंत भी दे चली किंतु परमात्मा होचंती से सब देवंकर भी देवता आम भुवनेश्वर रे बसचे कि संपूर्ण भुवन रे ईश्वर जणे से ही भास्करेश्वर सूर्यंकर भी सी होचंती ईश्वर से रामेश्वर रामंकर भी से ईश्वर से गोपेश्वर कृष्णंकर भी से ईश्वर से ब्रह्मेश्वर ब्रह्मांकर भी से ईश्वर से मेघेश्वर हाँ जानते ये सब मंदिर भुवनेश्वर रे अच्छी से मेघर भी ईश्वर से कपिलेश्वर हाँ तो से ईश्वर जे महेश्वर सब देव मानकर देवता से परमात्मा वर्तमान आसतु पचार बुझा आम भाई भी मन में एमती कौन प्रश्न रही उत्तर से खोजुंत मो ना है विकेश सुभाष मुझे जानवाक चाहे परमात्मा सहित मोर संपर्क कौन आज्ञा बहुत सुंदर प्रश्न पचारे टे परमात्मा विषय डिटेल जानवा सबुठ प्रथम परमात्मा रूप कौन तांको रूप बिंदु हेले से सर्वगुण से सिंधु शांतिर सगर दयार सगर प्रेमर सगर ज्ञानर सगर आनंदर सगर तांको दिव्य अलौकिक ना हूँ शिव शिव तांकर के बापमा तांकर ना रखिना या कौन से देह उपरे तांकर नाम नहीं गुणवाचक नाम हूँ शिव शिव शब्दर अर्थ हूँ कल्याणकारी मंगलकारी जेहेतु से प्राणी मात्र कल्याण करी सदाशिव बोली कहा जाए तापर गोटे बहुत आउ गोटे सुंदर कथा विषय जानवाक से कौटी रुहत जो भी धर्म रे भगवान को मन पकड़े ऊपर को देखते ऊपरवाला आम ओडिया लोक आम सबुठ अधिक भल पाऊ जगन्नाथ को ना कौन जो तो जगन्नाथ मंदिर को जाऊँ से दर्शन करने ना कौन जगन्नाथ था सामने महाप्रभु सामने अच्छा से समय भी आमको जब टे समय मिले आम कौन करूँ दर्शन करने को आसचु से सामने अच्छा फेर कहीं आखि उपरको करुचे हाथ उपरको करुचे ताने कौटी ना कौटी आम चेतना आम कनसाइन जाणी से उपरे रोच जहाँ को ये प्रतिमा रूप में आम
खोजिबाकू जानिबाकू देखिबाकू चेष्टा करुचे। तो परमधाम ही होची परमात्मांकर दिव्य धाम घर, से घरे ही रही थांती। आउ सबुठु भल कथा भाई पचारे तांक सहित आमर संबंध कौन अच्छे, सी आमर कौन हुए। आम भारतीय संस्कृति रे आमको सिखा जाइछि परमात्मांक पई त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, सी आमर सबु किछि। अति सुंदर भाव रे बुझै देलु भौनी। तबे अनेक प्रश्न आपण मानक मन रे मध्ये उकि मारतबो, सेमिति प्रश्न मानक मध्यरु आपण आउ गोटे प्रश्न मध्ये रखि पारंती भौनीक पाखरे। मुँ होची बिके पुष्पक। अच्छा दुनिया रे जो कहा जाए जे भगवान को इच्छा रे ही पत्र सब हलुची, भगवान को इच्छा रे ही सब किछि होउची, एटा केते दूर सत्य? बहुत सुंदर प्रश्न। कहा जाए पत्ते पत्ते को हिलाने वाला भगवान है, मीन्स ये संसार रे सब किछि भगवान ही करि थांति, तांको निर्देशना रे ही थाए, तांको निर्देशना बिना किछि हे न थाए। तो तार गोटे सेटा गोटे कौन कह कहे गोटे तत्व ज्ञान, बाकी भगवान बस कि पत्र पत्र को हलैबे नहीं, बहुत गड़बड़ी हो जो पत्रटा को भगवान न हलैबे सी आलब ना। एक्चुअली देखु जमती गोटे मैनेजमेंट सेटअपटा को भी नियंतु जे टप्रे अच्छा बुझतु भारत समेत जदि आम कौन कह एडमिनिस्ट्रेशन को देखा या आम ब्यूरो कौन कह जोटा पॉलिटिकल लेवल रे भी आम देखा तो गवर्नेंस जहाँ को कहचे तो जड़े कई अच्छा उपरे जहाँ को प्राइम मिनिस्टर कहचे प्राइम मिनिस्टर देश टी को चलाउं किंतु आपण को ऑफिस रे प्रिंटिंग पेपर अच्छी कि न अच्छी ता दायित्व ना ना कौन आपण को ऑफिस रे पिउन आज आसला कि न आसला सी ताप दायी नुहति सी कौन कर गोटे सिस्टम टाक सेटअप कर जगह प्राइम मिनिस्टर बस चीफ मिनिस्टर मान अच्छा मिनिस्टर्स अच्छा ऑफिसेस को सेटअप करा जाए ऑफिस रे जने सीनियर अच्छा जने जूनियर अच्छा जने प्यून अच्छा जने स्टॉक टेकर्स अच्छा सी सिस्टम रे सब जिनस चल चलिका चलचे ना कौन जदि आम गोटे छोटिया मनीष छोटिया देश छोट सेटअप आम एत बड़ सिस्टम क्रिएट कर पारे सी रचयिता गोटे बड़ सुंदर सिस्टम सेटअप कर से सुंदर सेटअप समस्ते समस्त काम कर सूर्य को कहना कि उदय हुआ अस्त हुआ सिस्टम अच्छे सूर्य टाइम टाइम रे उदय हेले अस्त हो गए से नदी को कहना कि तुम्हें भी बही चल पा एमती दरकार सेमती दरकार देर इज अ सिस्टम से पा तार चल चलिका गला परमात्मा गच्छ को कहना मंजी लगे दिली कि तुम्हें भी ऊपर हुआ बड़ को आस देर इज अ सिस्टम गोटे मंजीटा जदि ठीक सॉइल ठीक प्रकार मॉइश्चर मिलना से स्प्राउट हम धीरे धीरे गच्छ हम पत्र हम तेरे फूल फल लगे सिस्टम से फूल फल गोटे प्रजाति मंजी रू गोटे प्रकारिया फूल फल बाहर तादे देखिए गोटे संतराटा गोटे ऑरेंजटा को खोलिक देखिए आपन को लगे भगवान विचित्रता किए सुंदर भाव में सजे सजे रखी कह सिस्टम ये सब कम भगवान को इंटरफेयर करने को पड़े ना। अच्छा वर्षा किए कर भगवान को तादे भी इंटरफेयर करने को दरकार नहीं सी भी गोटे सिस्टम अच्छे आम जहाँ को जल चक्र बोली कहचे ताले भगवान कौटी इंटर अच्छा आम को दुख सुख किए दिंती मनीष को कर्मफल किए भोगक दिंती जार दुख आसगला ताको भगवान दुख दिंती जहाँ को सुख आसला भगवान सुख दिंती भगवान ता भितर भी आसती भी गोटे सिस्टम अच्छी एवरी एक्शन हाज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रत्येक मनीष जो कर्म करुचे से कर्मफल ऑटोमेटिकली मिलुचे ताले भगवान कौन करती जो काम मनीष करिपारेनी जो काम सिस्टम करिपारिबनी जो काम पैगंबर करिपारिबनी जो काम साइंटिस्ट करिपारिबनी दुनिया रा प्रत्येक शक्ति जोठी नहीं जाए से विराट कार्य परमात्मा कर। आमर आलोचना रही था परमात्मा दिव्य चक्र विषय से विषय आपण आउ किछि हमको ज्ञान प्रदान करिवे परमात्मा दिव्य कर्तव्य पर आम कथबार्ता करथले तादरे आम जानले कि भगवान पत्र को हलो नहांती भगवान मनीषर कर्मर फल को भी दौना से भी गोटे सिस्टम रे अच्छी आमको आम कर्म फल मिलुची
କିଏ ସୁଖ ପାଉଛି କିଏ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ଭଗବାନ ତା'ଦେହରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କରନ୍ତି କ'ଣ? ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ୟଦା ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନମ୍ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାମ୍ ବିନଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାଏ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଯୁଗ ଯୁଗର ସନ୍ଧି ଯୁଗ ମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଣିଷ ଆତ୍ମା ଅତିତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛି, ଧର୍ମଗ୍ଲାନି ହୋଇଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାଏ। ଧର୍ମଗ୍ଲାନି କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଶବ୍ଦରେ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲାନି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଯାଇଛି, ମାନେ ଆପଣ ମନେ ପକାଇବେ ଆଗେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ମୋର ଧର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, କହୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସେ, କିଛି ଆକ୍ରୋଶ ଆସେ ନା, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ଧର୍ମ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ଅଛି। ଧର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ହୁଏ, ପିଠିରେ ପଡ଼େ, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ଗୋଟାଏ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ଯେଉଁଠି ଆଉ ଧର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ପଡ଼ୁନି। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦ ବାଟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳ ରହୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅତି ଧର୍ମଗ୍ଲାନିର ସମୟ। ଏଇ ଧର୍ମଗ୍ଲାନି ସମୟରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭୂ ଅର୍ଥାତ୍ ଶମ୍ଭୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଇସଲାମର କଥା ଶୁଣିବା, ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଗୋଟିଏ କୟାମତ କା ସମୟ ଆଏଗା, ଜବ୍ ଖୁଦ୍ ଖୁଦା ଇସ୍ ଧରାପୃଷ୍ଠ ପେ ଆଏଙ୍ଗେ, କବର ଦାଖିଲ ଇନ୍ସାନକୁ ଜଗାନେ କେ ଲିଏ। ତ ସେ ଯେଉଁ କୟାମତ କା ସମୟ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଆତ୍ମା କବର ଦାଖିଲ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଛି, ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜ ଦେହ ବୋଲି ଭାବିଛି, ଆଉ ସବୁ ମନ୍ଦ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି, ତା'ର ବୁଦ୍ଧି କାମ କରୁନି, ମାଟି ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ପରମାତ୍ମା ଖୁଦ୍ ଇସ୍ ଧରତୀ ପେ ଆତେ ହେ, ଅଲ୍ଲା ତାଲା ଖୁଦ୍ ଧରତୀ ପେ ଆତେ ହେ, ଇସଲିଏ ଉନ୍ହେ ଖୁଦା କହା ଗୟା ହେ। ସେ ଆସିକି କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆତ୍ମାର କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ହିସାବରେ କାହାକୁ ଜନ୍ନତ ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କାହାକୁ ଜେହନୁମ୍ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜେହନୁମ୍କୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜନ୍ନତକୁ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କୁରାନ୍ ଶରୀଫରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆ ଡେ ଅଫ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ କମ୍, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗଡ୍ ନିଜେ ଆସିବେ ଆଉ ମଣିଷର କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଘର ହେଭିନ୍କୁ ପଳାଇଯିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲ୍ରେ ପଡ଼ିବେ। ହେଲ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ? ବଡ଼ ବଡ଼ ତେଲ କଡ଼େଇ ଥାଏ, ତା ଦେହରେ ମଣିଷକୁ ଛଣାଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ପାପ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ଛଣା ହୋଇଗଲା ପରେ କଳା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେରିକା ଭଳିଆ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଦୁନିଆରେ ବି କଳା ଧଳାର ବହୁତ ଭେଦ ଅଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶାଯାଇଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପାପ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଛଣାଯାଏ କଡ଼େଇରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଳା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକାଇ ନଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋରା ଥାନ୍ତି। ହଁ, ମାନେ ଇଏ ସବୁ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ତ ପରମାତ୍ମା ଏହି ସମୟରେ ଆସିକି ଆମ ସବୁ ମଣିଷ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି? ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାମ, ମାନେ ସାଧୁତା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସିଏ ଯେଉଁ ଲେଖାଟା ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ କି? ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ କହିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଆଜି କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିହାତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ରଖିଛେ, ବଟ୍ ନଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନଲେଜ୍। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ନିଜେ ନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜ୍ଞାନ ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବାନି। ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଗ୍ଲାନିର ସମୟ ଚାଲିଛି, ସେହି ସମୟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଅବତରଣ ହୋଇଛି, ଆଉ ସିଏ ଆସିକରି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରୁଛନ୍ତି କି ଏବେ ତୁମେ ଏ କବ୍ରରୁ ଦୂରକୁ ଉଠ, ମାନେ ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ସ୍ଥିତିକୁ ଆସ, ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଆତ୍ମା ଭାବ, ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ଦୂରକୁ ରୁହ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କର, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସୁନ୍ଦର ସଂସାରକୁ ନେଇଯିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି,
ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର କ'ଣ ରହିଛି ମୁରଲୀ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁରଲୀ ବାବାଙ୍କର ଅଛି। ମିଠେ ବଚ୍ଚେ ଅବଗୁଣକୁ ନିକାଲନେ କା ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଯେଉଁଟା ଅବଗୁଣ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି କାଢ଼ିପାରିବା ତା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଜିସ୍ ଗୁଣ କି କମି ହେ ଉସ୍କା ପୋତା ମେଲ୍ ରଖୁ। ନିଜେ ନିଜର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କି ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି କ'ଣ ଅବଗୁଣ ଅଛି। ଗୁଣ କା ଦାନ କର ତୋ ଗୁଣବାନ ବନ ଯାଏଙ୍ଗେ। ଯେତେ ଯେତେ ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ଗୁଣ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୁଣର ଦାନ କରିବି ତାହେଲେ ମୋ ଗୁଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯିବ। ଆଉ ଆଜିର ମୁରଲୀରେ ବାବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଗୁଣବାନ ବନନେ କେ ଲିଏ କ'ଣ ସି ପହଲି ପହଲି ଶ୍ରୀମତ ମିଲି ହୁଇ ହେ। ବାବା ଆମକୁ କ'ଣ ଶ୍ରୀମତ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗୁଣବାନ ହେଇପାରିବା। ମିଠେ ବଚ୍ଚେ ଗୁଣବାନ ବନ୍ନା ହେ ତ କିସି କେ ବି ଦେହକୁ ମତ ଦେଖୁ। ଆପଣ କୁ ଆତ୍ମା ସମଝ। କାହାକୁ କାହାର ଦେହକୁ ଦେଖନ୍ତୁନି, ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ବି ଆତ୍ମା ଭାବନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେହ ଅଭିମାନ କେ ବସ୍ ଏସି କୋଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନେଇ ହଉ ଜିସେ ନାମ ବଦନାମ ହୋ ଯାଏ। ହଁ, ଆମେ କର୍ମ କଲାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁନେ ଆବେଶରେ ଆସିଯାଉଛେ, କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କର୍ମ କରିଦେଉଛେ, କେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଉଛେ, କେତେବେଳେ ଲୋଭବଶତଃ ଚୋରି କରୁଛେ, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତିଆ କର୍ମ ଆତ୍ମାକୁ ମହାନ କରିବନି, ଗୁଣବାନ କରିବନି, ଅବଗୁଣକୁ ବଢ଼େଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଅବଗୁଣ ଆଣିବାକୁ ନାହିଁ। ଉଲ୍ଟି ଚଲନ ବାଲେ କଭି ଗୁଣବାନ ନହିଁ ବନ ସକ୍ତେ। ଯାହାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବହାର ଉଲ୍ଟା ଉଲ୍ଟା ଅଛି ସେମାନେ ଗୁଣବାନ କେମିତି ହେଇପାରିବେ? ତାଙ୍କୁ ଗୁଣବାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ ରଖିବାକୁ ହେବ। ତ ଏମିତି ସବୁ ବାବାଙ୍କର ଏ ମୁରଲି ଚାଲିଥାଏ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଆଜି ବରଦାନ ଯେଉଁଟା ମିଳିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି, ହଦ୍ କି ରୟାଲ ଇଚ୍ଛାଓ ସେ ମୁକ୍ତ ରହେ ସେବା କରନେ ବାଲେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାଧାରୀ ଭବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରୁଛେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ଏ ସେବା କଲେ ମୋତେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ସମୟରେ ନିଷ୍କାମ ବୃତ୍ତିରେ ସେବା କରିବାକୁ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କିଛି କାମନା ନ ରଖିକି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେବା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଠାରୁ ଦୂର ହୋଇକି ରୟାଲ ସେବାଧାରୀ ହୋଇପାରିବା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ ଆତ୍ମାଟି ହୋଇପାରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ପୁଣି ଫେରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ସହିତ, କିଛି ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ସହିତ। ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଏମିତି ଖୋଲା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ଅମୃତ ସାଗର ବିନ୍ଦୁରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ, ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।